नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक अच्छा सा घर कैसे बनाया था। चले फ्रेंड्स, आज केड़ा बना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे बनाने के लिए एक बारी मैं हम लाइव कंक्रीट ले रहे हैं और हम एक बारी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ताकि मतलब हमें पता तो होना चाहिए कि मतलब इतना बड़ा होगा, ऐसे होगा। तो इसलिए तो इतना लंबा होगा, ये ना गांव का, इस गांव के अंदर सबसे बड़ा घर हो रहा है अभी। इसके अंदर कोई और भी बड़ा घर हो सकता है, मतलब इससे मेरे को पता नहीं। परी खैर छोड़ो, आप अपना बनाते हैं। तो एक ब्लॉक मैंने आगे ले लिया, पर कोई बात नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम तोड़ते हैं। भाई ये देख रहा था, ये क्या है, ये सोचते जा रहा था वो बंदा कि ये क्या है भाई। वो जो विलेजर था ना, वो अभी आ अभी ना टाइम सेट देख करते हम लोग, क्योंकि एक बार हम मना रहे हैं हमारा घर। ये बकरी आ गई यार अंदर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता रे। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब इसके अंदर हम मतलब घर बनाएंगे। तो अभी ना हमें वो ये सारे जो ये डर्ट है ना, पूरी तोड़नी है या फिर रखनी है, या फिर हम इसके ऊपर कारपेट रख सकते हैं, या फिर हमारा जो कंक्रीट है वो ही इसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर कारपेट। तो एक बार मैं कंक्रीट ही रख लेता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है तो कंक्रीट। तो चलो फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स हमें जल्दी से जल्दी मतलब तोड़ना पड़ेगा, ताकि ये घर जल्दी बनाए हमारा। चलिए फ्रेंड्स, एक बार तोड़ते हैं। तोड़ो तोड़ो,
चलो फ्रेंड्स अभी हमने ये बना लिया और बस हमें यहाँ पे ना एक कंक्रीट रखने है। तो ओके तो फ्रेंड्स अभी हमें स्टे एक बार ये तो काम की चीज़ है तो मेरी इन्वेंटरी में मतलब कई तो नहीं है पर हाँ ऑलमोस्ट कई तो हैं यहाँ पे भी कंक्रीट लगाओ और कोट्स की स्टेयर लगाओ। ओके तो इधर तक हमारे होंगे दरवाजे मेरे को तो लग रहा है कि मैं बंगलो बना रहा हूँ जितना बड़ा घर का मैंने स्ट्रक्चर सब बनाया है इसके हिसाब से तो मैं बंगलो ही बना रहा हूँ। चलो फ्रेंड्स जल्दी लगाते हैं। लगा लिया हमने सब जगह इधर तो कंक्रीट लगाओ और ये लगाओ रे अब फ्रेंड्स ये मैंने घर का स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा बना लिया मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर कई सारे बेड भी रख दें फिर अपने आपा चलिए तो फ्रेंड्स हमने एक साइड की खड़ी कर दी मतलब दूसरी साइड की भी खड़ी होने वाली है।
दो दीवारें तो खड़ी कर दी हमने, तीसरी भी दीवार भी हमने हम खड़े करने वाले हैं फ्रेंड्स। बस अब मैं सोच रहा हूँ एक बड़ी सी विंडो भी बना लूँगा, तो चलो विंडो भी हम बना लेंगे। चलो तो फ्रेंड्स हमने तीसरी दीवार भी खड़ी कर दी, बस चौथी दीवार खड़ी हो करनी है जल्दी से। दो लाइनें तो हमने फिल कर दी, मैं सोच रहा हूँ वर्ड भी डाल देना ना, वर्ड तो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए हम वूल तो डालने नहीं वाले, कंक्रीट डालेंगे। मैंने एंडर चेस्ट किया, चलो देखते हैं एंडर चेस्ट के अंदर क्या है। इसके अंदर उल्ली पड़ी है, कोई बात नहीं। चलो तो यहाँ पे बेड डालो, हो गया सफोकेट एक ब्लॉक के अंदर। सुबह होगी, फ्रेंड्स आप छत ग्लास की भी बना सकते हो ताकि नेचुरल लाइट आ जाए, और आप अगर छत नहीं रखोगे तो फिर बारिश आ जाएगी घर के अंदर। तो जल्दी से हम छत बनाते हैं जिससे पहले कि बारिश आए। आए आए आए, जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ पे तीन ब्लॉक रहते हैं और यहाँ पे मतलब दो लाइनें रहती हैं बस, और फिर हमारी छत खड़ी हो जाएगी। ओके सो फ्रेंड्स अभी देखो कितना अंधेरा हो गया यार, सी लाइटर निकालो। अभी देखो फ्रेंड्स ये लगा एक सी लाइटर जमीन के अंदर, एक इधर, और दीवार पे तो बड़ा सारा सी लेंटन, बहुत सारा सी लेंटन लगाएंगे हम लोग। ओके सो दो ब्लॉक और, तो सी लैंटर्न लगाते हैं। यार मैंने छोटा का हिस्सा तोड़ दिया,
तो अभी बहुत सारा लाइट आने वाली है, तो एक बारी हम ढेर सारे बेड लगा देते हैं। इतने सारे बेड लगा करूँगा क्या, मेरे को चेंज पर कोई बात नहीं, कई सारे विलेजर आ गए और फिर वो यहाँ पे भी सो सकते हैं हमारे घर के अंदर। यार ये गुटके और हम एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज रूम भी बनाएंगे। चलो फ्रेंड एंड्स, अभी हमें लगाना है चेस्ट। चेस्ट चेस्ट लगाओ, बहुत बड़ा स्टोरेज रूम होएगा ये, तो मेरे को लग गया। अगर मतलब आपके इन्वेंटरी हर बार फुल रहती है तो मतलब आप छोड़ सकते हो। इतना बड़ा स्टोरेज रूम कौन बनाता रे। इतना बड़ा स्टोरेज रूम पहली बार बना रहा हूँ। इतना बड़ा, जल्दी से साइडों में से बिल्डिंग ब्लॉक लगाओ। चलो तो फ्रेंड्स, ओके इतना बड़ा स्टोरेज रूम। अब देखें वी कि हम उस अब से टॉप वाला चेस्ट खोल भी सकते हैं। वाह, ये वाला भी खोल सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली आराम से खोल सकते हैं हम लोग। अब अंडर चेस्ट भी ढेर सारे रख देते हैं ताकि हम मतलब इनके अंदर रहे सामान। हम हाँ, इतने सारे अंडर चेस्ट भी काफ़ी हैं। और मैं सोच रहा हूँ ऊपर उल्टी ऐसे मतलब स्टेयर्स अगर हम लगाते हैं फ्रेंड्स, और जैसे मतलब ऐसे अगर हम उल्टी स्टेयर्स लगाते हैं ना ऐसे, ओके तो उस अब अगर हम चेस्ट रखते हैं तो हम ना इन चेस्ट को एक खोल सकते हैं, तो यही फायदा होता है स्टेयर्स का। ये देखो हम ये चेस्ट खोल सकते हैं, बढ़िया है। अब हम जगह भी बना देते हैं जहाँ पे हम खाना खाएंगे, कई सारे बंदों के लिए बनाएंगे ना हम लोग। अरे यार मैंने एंट्रेंस कहीं और बनानी, मेरे को कहीं और बनानी पड़ेगी। मैं एंट्रेंस सोच रहा हूँ यहाँ पे बना लूँ एक गेट की सिर्फ, चलो तो फ्रेंड्स। अभी हमें लगाने यहाँ पे स्टेयर्स लगाओ, और स्टेयर्स लगाओ। ओके तो फ्रेंड्स हमें कारपेट तो लगाना ही है, सब जगह बस सी लैंटर्न्स पे छोड़ देंगे हम ताकि अच्छी खासी मस्त सी लाइट आए।
Okay, so लगाओ. Okay. बस फ्रेंड्स दो काम रहते हैं, वो विंडो बनाना और स्लैब लगाना. स्लैब का तो काम हम आराम से कर देंगे, पर एक बड़ी सी विंडो तो बनानी पड़ेगी और हमें गेट भी तो लगाने हैं. ये तो मैं भूल गया था कि हमें गेट भी लगाने. यहाँ पे एक स्टेयर लगाओ ताकि हम ऊपर चढ़ सकें, और यहाँ पे भी एक स्टेयर लगाओ ताकि हम ऊपर चढ़ सकें. यहाँ पे एक दरवाजा निकाल लो, बर्च खड़वा निकाल लो, ये ऐसे रखो. हाँ ये देखो फ्रेंड्स हमारा ये रेडी हो गया. अब एक बड़ी सी विंडो बनाते हैं. तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा जो घर है वो हो चुका है रेडी, जिसके अंदर हैं काफ़ी सारे बेड, पूरा कारपेट लगा हुआ है, कई सारे अंडर चेस्ट, बहुत सी स्टोरेज रूम, बड़ा सा वो एक झूमर सी लैंटर्न्स का एक बड़ी सी तो नहीं मतलब हाँ विंडो, और बड़ी कर देते हैं हमें से. पे लग गया यार ये ब्लॉक पे ना. तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में ना, अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय.